अब तक की सबसे बड़ी खबर बोकारो से आ रही है। बोकारो में सड़क हादसे में मां बेटे की मौत, चार घायल। सड़क हादसे में मां बेटे की मौत, चार घायल हुए हैं। रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 पर कल्याणपुर के पास हुई सड़क दुर्घटना में मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य चार लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। घायलों को गंभीर अवस्था में बोकारो सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां वे इलाजरत हैं। यह घटना बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग पर जरीडी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में घटी। बताया जा रहा है कि एक कैश वैन के मोटरसाइकिल से टकरा जाने की वजह से घटना हुई। मोटरसाइकिल पर सवार माँ और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कैश वैन पर सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची जरीडी पुलिस ने सभी को जैनामोड़ रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई। बता दें कि कैश वैन मोटरसाइकिल की टक्कर होने के बाद पेड़ से टकराई, जिसके बाद कैश वैन में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान नहीं हो पाई। दोनों मृतकों के शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहाँ दुर्घटना हुई? कल्याणपुर में। कितने लोग थे गाड़ी में? 5 आदमी। और उसके बाद क्या हुआ? पांचों घायल हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस है। 4 जन है, आराम थोड़ा हल्का फुल्का हमको चोट लगा है। तो वो गाड़ी में क्या था, कैश था? नहीं, कैश लाने आ रहे थे। आप लोग कहाँ जॉब करते हैं? गोमिया में। तो गोमिया से लेके आ रहे थे, और कहाँ एक्सीडेंट हुआ कुछ जगह देखे प्रॉपर? कल्याणपुर में। कैसे हुआ था दादा, क्या हुआ? मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलटी मार गई। पलटी मारा उसका, सीधा होकर गाड़ी ये पेड़ में टकराया। उसके बाद जो लोग सब, तो थोड़ा देर तक हम भी अचकमा आ गए। उसका उठे, उसके बाद गेट खोलने लगा तो गेट नहीं खुला। तब फिर दाहिने साइड वाला गेट खुले तो खुल गया। तब फिर निकले, तब देखे कि लोग सब पड़ा हुआ चारों। तब हम देखे कि क्या हो गया इन लोग सब। तब धीरे धीरे सब हाथ उठ हिलाने लगा। तब एक जन को उठाने चाहे तो नहीं उठाने सके। तब फिर सिविलियन को बुलाया और उन लोगों को उठाया। तब तक पुलिस को फ़ोन कर दिया, लोग पुलिस टीम पहुँच गई उन पर। कितने